हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है चॉकलेट फैक्ट्री ब्रिक्स फूड में। मेरा नाम चिराग जगानी, जो ब्रिक्स फूड का एज अ प्रोपराइटर। मैं आज आपको सबको शो ऑफ करने वाला हूँ कि हमारे जो बच्चे कैंडी और लॉलीपॉप खाते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके से बनती है। तो मैं अपनी खुद की फैक्ट्री में आपको इन्वाइट करता हूँ। सबसे पहले कैंडी स्टार्ट होने से पहले ये जो हमारी बॉयलर है, बॉयलर में हम स्ट्रीम यूज़ करते हैं, जो स्ट्रीम आगे जाके हमारा कैंडी का जो प्रोसेस है उसी में काम लगेगी कुकिंग के लिए। तो ये हमारा स्ट्रीम बॉयलर है 500 केजी पर आवर की कैपेसिटी का। ये हमारी जो स्ट्रीम थी वो स्ट्रीम हम लोग ये जैकेटेड कुकर में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो हमारा 140 डिग्री पे हमारा शुगर एंड ग्लूकोज दोनों पकता है। तो 140 डिग्री के बाद हम उसको वैक्यूम प्रोसेस से पैन में ले लेंगे और उसके बाद प्लेट पे यूज होगा। अभी हमारा बैच एक रेडी हो चुका है जो पैन में आ गया है, अभी वो बैच को हम अनलोड करेंगे प्लेट के ऊपर। ये हमारी मैंगो फ्लेवर की लॉलीपॉप बन रही है, मैंगो क्रीम का। अभी ये जो हमारा मैंगो फ्लेवर का डक आ चुका है प्लेट पे, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए कूलिंग करेंगे विथ इन 4 to 5 मिनट्स, जिसमें वो डिग्री उसका डाउन होके 80 से 90 डिग्री तक रह जाएगा, जो अभी 120 डिग्री के आसपास है। अभी ये हमारा डक तैयार हो गया है मिल्क फ्लेवर का, जिसको हम लोग मैंगो फ्लेवर के साथ कंबाइन करेंगे। अभी ये मिल्क फ्लेवर मिक्स हो रही है उसके अंदर। अभी ये रेडी हो चुका है हमारा मिल्क फ्लेवर का, तो अभी हम उसको थोड़ी देर स्टैंड बाई रखेंगे जब तक कि हमारी मैंगो फ्लेवर की डक तैयार ना हो जाए। अभी हमने इसमें अपना एसिडिटी रेगुलेटर मिला लिया है, जो अभी हम उसको प्रॉपर तरीके से मिक्सअप करेंगे, और हमारा फ्लेवर ऑलरेडी लग चुका है। पाँच सात मिनट के बाद अभी ये हमारा रेडी होने को आया है, तो अभी हम उसको आगे प्रोसेस में ले जाएंगे जहाँ फॉर्मिंग लाइन है हमारी, फॉर्मिंग मशीन में। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग उसको कटिंग करने के लिए रेडी है। ये डग हमारा अभी प्रोसेसिंग में आ चुका है, जो फॉर्मिंग लाइन में आ चुका है, उसका दूसरा पार्ट भी हम लोग लोड कर रहे हैं फॉर्मिंग में। जो फॉर्मिंग में लोड होने के बाद वो प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, जो साइजर में जाएगा। अभी ये फॉर्मिंग में हमारी मैंगो फ्लेवर चल रही है, उसके बाद हम लोग उसके साथ मिल्क फ्लेवर का भी बेस यूज़ करेंगे, जो उसके साथ मिल जाएगा, और आगे कटिंग में जाके मैंगो और मिल्क फ्लेवर दोनों साथ में कट होंगे। दोस्तों अभी ये हमारा मिल्क फ्लेवर का भी डक साथ में लग चुका है, तो अभी हमारा जो लॉलीपॉप आगे जाके कट होने वाला है वो मैंगो और मिल्क फ्लेवर दोनों एक ही लॉलीपॉप में टेस्ट देगा। अभी ये हमारा मटेरियल आगे जा रहा है प्रोसेसिंग में, फॉर्मिंग से होके ये साइजर में पास ऑन हो रहा है, जो साइज फिक्स कर रहा है लॉलीपॉप की। अभी ये साइजर में से बाहर जाके हमारे डाई पार्ट में जाएगा, जो वहाँ पे डाई लग चुकी है, जिसमें जो भी साइज का डाई लगाएंगे उस तरीके से लॉलीपॉप क्रिएट होगा, राउंड शेप भी निकलेगा, फ्लैट शेप भी निकलेगा। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बन रहा है, जिसमें स्ट्रॉबेरी और क्रीम फ्लेवर की बॉन्डिंग है। एक ही लॉलीपॉप में आपको स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम दोनों फ्लेवर का टेस्ट आएगा। ये हमारी एक्सपोर्ट के लिए वेराइटी है। अभी लॉलीपॉप डाई में जा रहा है, जो हमारा राउंड शेप का डाई लगा हुआ है उसमें राउंड शेप की लॉलीपॉप आ रही है। तो अभी ये लॉलीपॉप 14 ग्राम की हो रही है। डाई में से निकल के लॉलीपॉप भी कन्वेयर बेल्ट पे जा रही है, जो हमारी लॉलीपॉप ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मीन्स अभी ये जो कूलिंग स्टेज का पास करना बाकी है, इसमें से जो अभी लॉलीपॉप आ रही है वो सॉफ्ट है, आगे जाके वही लॉलीपॉप हार्ड हो जाएगी।
ये लॉलीपॉप कन्वेयर बेल्ट से होके कूलिंग टनल में जा रही है। जो 5 स्टेज कूलिंग टनल है उसमें लॉलीपॉप 5 टाइम्स ये घूमेगी और लास्ट में जब निकलेगी तो हार्ड फॉर्म में हो जाएगी। अभी ये मैंगो फ्लेवर की 14 ग्राम की लॉलीपॉप चल रही है। ये 5 स्टेज कूलिंग टनल है जिसमें 5 टाइम लॉलीपॉप लेफ्ट से राइट घूम रहे हैं और ये टनल कंटिन्यू राउंड फॉर्म में शेप हो रही है जिसमें लॉलीपॉप को हम हार्डनेस प्रोसेस में ले जा रहे हैं। जो अभी सॉफ्ट प्रोसेस है उसकी वो हार्ड हो जाएगी आगे जाकर। दोस्तों 2 मिनट की कूलिंग प्रोसेस के बाद ये लॉलीपॉप हमारा हार्ड हो चुका है, जो लॉलीपॉप फाइनली पैकेजिंग के लिए रेडी है अभी। तो इसके बाद की प्रोसेस हम लोग लॉलीपॉप को पैक करेंगे। ये हमारी स्ट्रॉबेरी और क्रीम की लॉलीपॉप रेडी हो चुकी है जो अभी कूलिंग स्टेज पे है। ये अभी हमारा लॉलीपॉप आ रहा है जो हम लोग ओपर में डालेंगे, तो ये ओपर से पास होते हुए नीचे हमारे फॉर्मेट में जाएगा। फॉर्मेट से ये लॉलीपॉप पैकेजिंग के लिए जाएगा। अभी ये लॉलीपॉप पूरा पैक हो रहा है। तो ये डबल ट्विस्ट लॉलीपॉप है, ये जो अपने एक्सपोर्ट वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लॉलीपॉप कम्प्लीटली पैक हो चुका है। लॉलीपॉप में हमारे पास कई सारी फ्लेवर है, लेकिन अभी जो रेडी हुआ है वो मैंगो क्रीम लॉलीपॉप रेडी हुआ है। ये मिक्स फ्रूट और क्रीम लॉलीपॉप रेडी हुआ है। और यहाँ पे अभी पैकेजिंग जो चल रही है हमारी वो है स्ट्रॉबेरी क्रीम पैकेजिंग चल रही है। तो काफ़ी सारे लॉलीपॉप हम लोग बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में, तो उसी तरीके से हम लोग पैकेजिंग वगैरह असोर्टेड और सेपरेट पैकेजिंग भी करते हैं इसमें। और अभी जो हमने देखा कि अंदर जो लॉलीपॉप बन रहे थे तो यही उसकी फाइनल पैकेजिंग है, हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं यही पैकेजिंग में। ये हमारी लॉलीपॉप जो है सेनेगल जा रही है, एंगोला जा रही है और मोजाम्बिक में जा रही है। हम लोग ये तीनों कंट्री में कैंडी एंड लॉलीपॉप की डील करते हैं। जैसे हमने आपको कंपनी का टूर करवाया तो हम लोग कन्फेक्शनरी में 1 रुपीज़ की कैंडी से लेकर 5 रुपीज़ तक के लॉलीपॉप बनाते डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। 1 रुपीज़ की कैंडी में हमारी ब्रांड की जो 6 to 7 वेराइटीज़ हमारी ब्रांड की बना रहे हैं, और हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, जो जिसको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम मैन्युफैक्चर करके भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉलीपॉप में हमारे पास फैसिलिटी 3 टाइप का पैकेजिंग फैसिलिटी है, जिसमें हम लोग डबल ट्विस्ट लॉलीपॉप भी बनाते हैं, बंच रैप लॉलीपॉप भी बनाते हैं जो सिंगल ट्विस्ट आती है, फिर हम लोग लंबे पाउच भी जो पाउच फ्लोर रैप मशीन बोलते हैं उसको पाउच मशीन भी हम लोग पाउच रैप लॉलीपॉप बनाते हैं। और कैंडी में हमारे पास पिलो पैक फैसिलिटी है, जो हम पिलो पैक कैंडी बना रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप की रहती है, राउंड शेप है, ओवल शेप है, हार्ट शेप है, तो उस तरीके से हम लोग कैंडी एंड लॉलीपॉप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और हम लोग ज़्यादातर करके अपनी ब्रांड से ऑल ओवर इंडिया लॉलीपॉप एंड कैंडी सेल आउट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। जो जिसको भी इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट www.bricksfood.com से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल कस्टमर केयर है 8886335588।